दोस्तों सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी थ्रेड कटिंग साइकिल की वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मल्टी थ्रेड कटिंग का हमारा G76 कोड है। ये मल्टी थ्रेड कटिंग साइकिल है। इसके अंदर दो लाइनें होती है G76 P00000 QR नहीं लो तो, और दूसरी लाइन है G76 XZPQR। तो ये दो लाइनें होती है, इनके अंदर वैल्यू डली होती है। सबसे पहले मैं पहली लाइन के बारे में बता देता हूँ आपको, G76P00000 QR। ये हम पहली लाइन में डालें तो भी और न डालें तो भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हमारी पिच होती है, उसकी फीड होती है इसमें। अगर एक की फीड दी, एक की दो की दी है, दो एमएम की। और ये बैक साइड में कितना रखते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्ट साइड जो वैल्यू देते हैं। ये हमारा लास्ट का डेप्थ ऑफ कट है। लास्ट का डेप्थ यहां पर हम पिच का एंगल देते हैं, जितने की पिच होगी ये टेबल को ऊपर उठाते हुए रखते हैं। टू रिटर्न एंगल, ये हमारा लास्ट का फ्री कट होता है। अब होता है हमारा पिच, जितने की पिच दी है उसकी फीड डालते हैं। अगर एक की पिच है तो एक की फीड डाल देंगे एफ के साथ में। जैसे एफ वन, इसके अंदर टूल को कितना पीछे रखना है स्टार्ट साइड में, वो डाल देंगे। अगर एक एमएम रखना तो आर वन या आर टू जितना भी रखना है। क्यू के अंदर हम डालते हैं लास्ट का जो कट होता है उसकी डेप्थ कितनी रखनी है। लास्ट का डेप्थ ऑफ कट 100 माइक्रोन का देना है तो क्यों 100 दे देंगे। अगर 200 माइक्रोन का देना है तो क्यों 200 लिख देंगे। ये हमारा जो पिच का एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री होता है, मैक्सिमम 60 डिग्री या 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, 60 ऐसे 00 की जगह। ये रिटर्न में टूल को जो उठाते हैं वापसी में, वो 00 में उठाना है हमें, सीधा उठ के वापिस चला जाए। यहाँ पर एंगल नहीं देंगे, यहाँ पे जो ये है P00 या तो मैं लास्ट का यानी 01 दे देंगे या 02 दे देंगे, जितने भी लास्ट में फ्री कट देंगे वो देते हैं इस लाइन के अंदर। ये हमारा साइकिल हो गया। ये दूसरी लाइन है हमारी, इसके अंदर हमारी फीड होगी जितने की पिच है। आर हमारी टेपर होगी, कितने टेपर डालने, क्यू हमारा पहला डेप्थ ऑफ कट हो गया। पी हमारा पिच डेप्थ होगी। जेड हमारी लेंथ होगी। एक्स हमारा कोर्डा है हुआ जहां तक हमारा टूल जाना है। और ये मल्टी थ्रेड कटिंग 76
सर्कल हो गया, फीड जितने की पीछे उतनी फीड डाल देंगे, आर में टेपर डाल देंगे, क्यू में पहला डेप्थ होकर डाल देंगे, जैसे क्यू 300 या क्यू 400 लिख देंगे। पिच डेप्थ का एक फॉर्मूला है 0.64 इंटू पिच इंटू 1000, ये पिच डेप्थ का फॉर्मूला है। जैसे एक की पिच है तो 0.64 इंटू 1 इंटू 1000 बराबर 640, पी में ये डाल देंगे। एक की पीछे, दो की पीछे तो दो कर देंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जितनी लेंथ में जाना है टूल को उतनी लेंथ डाल देंगे, थ्रेड लेंथ जेड माइनस बी समय में या 25 समय में जितनी दिया है उतनी रख देंगे। कोर डाया जिस डाया तक हमारा टूल आना वो रख देंगे। ये साइकिल हो गया हमारा, रोक देख। तो दोस्तों ये हमारी ड्रॉइंग है, इसके अंदर हमें थ्रेड काटनी है 25 × 1 की। तो यहाँ पे ये डाया 23.5 है और थ्रेड की लेंथ है 15 mm दी है यहाँ की, 3 mm की है हमारी खाली जगह छोड़ दी है आप अगर हुआ है तो, 3 mm गए, 12 mm हमारी थ्रेड लेंथ बनी है। तो इसके लिए MD कितनी बनाएंगे हम, M25 − 0.03 − 0.27 यानी 24.73 से 24.97 के बीच में रख लेंगे हम, 24.90 ही रख लेंगे प्लस माइनस 0.2 में। ताकि हमारा गेज का जो कंट्रोल रहे। अब आगे हमारा डाया कहाँ तक जाएगा, कोर डाया या माइनर डाया कहाँ तक आएगा, कोर डाया या माइनर डाया भी बोल देते हैं इसको। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 24.90 − 0.64 × 3 × 2 24.90 − 1.28 आ जाएगा। ये एक की पिच है, दो एक कम दो, दो को 0.64 से गुना करेंगे तो 1.28 आएगा यानी 23.62। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, देखो N1 में टर्निंग कर लोगे, N2 में थ्रेडिंग करेंगे। मैं N2 है इसका, तो N2 में देखियो G0 X0 Z − 100 T0 M01 ऑप्शनल स्टॉप लगा दिया। ये हमने पोजीशन दे दी है मशीन को 100 mm आगे, जेड में ले आए हम T0 202, दो नंबर टूल हो गया, दो नंबर ऑफसेट हो गया। G97S 1500 में हमने स्पेंडल रोटेट कर दिया, G0X 26Z2 M08 कूलेंट ऑन कर दिया, 2 mm दूर आ गए हम पीस से और डाया हमने 26 mm रख लिया। अब हम इसके अंदर साइकिल यूज करेंगे G76 का, G76 P01 कट लास्ट में फ्री छोड़ देंगे, 0060 एंगल हो गया, क्यू 200 पहली लाइन में ये डाल देंगे तो काफी है, हमें फीड वो डालने की जरूरत नहीं है। तो पहला कट के बाद के जितने भी कट है वो 200 माइक्रोन के रहेंगे हमारे। अगली लाइन है G76X, डाया कितना आया हमारा 23.62, लेंथ कितने थ्रेड की 12, पी के अंदर हम कितने डालेंगे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पिच डेप्थ बराबर है 0.64 इंटू पिच इंटू 1000, तो 0.64 इंटू 1 इंटू 1000 बराबर है 640, 640 क्यों 400, पहला कट 400 का ले लिया, आर टेपर आ रही है तो डाल देंगे नहीं तो नहीं, या टेपर थ्रेड है तो टेपर डल जाएगी। एफ 1.01 की फीट है तो डाल दी। ये हमारा प्रोग्राम हो गया इसका थ्रेडिंग का, G0Z10 M09 G97S 500 कॉन्ट्रास्ट कम कर दी हमने, G0X0Z − 100 T0M05 स्पिंडल स्टॉप कर दिया, M30 प्रोग्राम एंड हो गया, स्टार्टिंग से होगा। एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ आपको,
ताकि कहीं कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा 25x1 की थ्रेड है, 23.5 ये डाल दिया, 12 थ्रेड लेंथ आ रही है हमारी। पहले एमडी बना ली 2490 की, प्लस माइनस 0 टर्म रखी, कोर डाय निकालने के लिए 2490 माइनस 0.64 इंटू पिच इंटू 2 किया तो ये 2362 आ गई। यहाँ पर हमने पिच की डेप्थ निकाली है, पिच डेप्थ आ गई 0.64 इंटू पिच इंटू 1000, तो 0.64 को 1 से गुणा किया और 1000 से गुणा किया तो 640 आ गया हमारा। तो यहाँ हमने ले लिया, पहली लाइन में हमने पोजीशन दे दिया मशीन को G0X0Z-100 और T0, M01 ऑप्शनल स्टॉप हो गया, दो नंबर टूल हो गया, दो नंबर ऑफसेट हो गया, G97 हमने स्पेंडल रोटेट कर दिया 3000 की 1500 की RPM से M03 में। अब हम 26 डाया पे आ गए क्योंकि 25 का हमारा डाया 2490 बना हो तो 25 से कम हम ऊपर रख लिया हमने, 26 जेड में दो हम पीछे रह गए, M08 कूलेंट ऑन कर लिया हमने। पहले G76 P010060 ये हमने पहली लाइन डाल ली है साइकिल की, ये हमारा लास्ट का फ्री कट है, कट फ्री लेगी पीस बनने के बाद में। ये हमारी चूड़ी का एंगल है पिच का, क्या 200 हमारा ये पहले कट के बाद के जितने भी कट है वो 200 माइक्रोन के पैरेलल रहेंगे। G76 X 23 62 जितने डाया पे हमें जाना है वो डाल दिया यहाँ पर, जेड माइनस ये लेंथ डाल दी इसकी, पी 640 के अंदर हमने पिच की डेप्थ डाल दी, क्या 400 या पहला डेप्थ तो कट हो गया। आर में हम टेपर डालते हैं और एफ 1mm की पिच डाल दी, ये हमारी इन दो लाइनों के अंदर पूरा प्रोग्राम थ्रेड काट देगी अपने आप मशीन। साइकिल है क्योंकि ये G0Z10M09 कूलेंट ऑफ कर दिया, पीछे ले ली मशीन। G97 में हमने RPM कम कर दी 500 की और हमने पोजीशन दे दी अगली लाइन में G0X0Z-100 और T0। M05 में स्पेंडल स्टॉप हो गया, M30 प्रोग्राम एंड हो गया। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।